आज हम बनाएंगे वेज मोमो। नमस्कार, मैं हूँ सुमश्री विश्वास। सबसे पहले कैबेज को पतले पतले जूलियंस में काट लेते हैं, कुछ इस तरह। कढ़ाई में रिफाइंड तेल लेंगे, उसमें साबुत जीरा डालेंगे। अब इसमें कुछ कटी हुई मिर्च मिलाएंगे, इसमें ग्रेटेड जिंजर डालेंगे और हल्के से फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने कटे हुए कैबेज डाल देंगे और इसको पकाएंगे। अब कैबेज को पका के हम एक चौथाई क्वांटिटी बना लेंगे। कैबेज को हमें पकाते रहना है। देखिए, कैबेज पक के हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। हम मैदे का डो बना लेंगे, उसमें से छोटा सा पेड़ा निकाल के उसे हम बेलेंगे। इसको बहुत पतला बेलना होगा और इसके बीच में हम अपना स्टफिंग रखेंगे और इसे किनारों को मोड़ते हुए बंद कर लेंगे ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। एक और किनारा मोड़ते हुए दिखा रही हूँ। इस प्रक्रिया से किनारों को मोड़ना होगा। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। किनारे में कितने अच्छे डिजाइन बने हैं। इमली की मदद से मोमो बनाएंगे, इसलिए पानी को उबालने के लिए रखा है और इस पे छलनी में अच्छे से तेल लगा के हम मोमो रख के इसको ढक देंगे और स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लीड हटा के देखेंगे। ये देखिए मोमो बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, कोई बात नहीं, आप छलनी में भी मोमो बहुत अच्छा से बना सकते हैं। यहाँ पर मोमो टूटने का डर होता है, इसीलिए जल्दबाजी ना करें, बहुत सावधानी से धीरे धीरे मोमो को निकालें। मोमो बिल्कुल बनके खाने के लिए तैयार है। मोमो को मोमो चटनी के साथ परोसें। थैंक यू।